हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम श्री सलम दर्शन कर चुके हैं, अब हम वापस घर जा रहे हैं और इसका ब्लॉग बनाएंगे। अब इस पर हम एक दो अच्छी अच्छी जगह रुकेंगे, जैसे अगर डैम का व्यू अच्छा होगा डैम पे रुकेंगे, फिर ऑक्टोपस व्यू पॉइंट पे रुकेंगे और फिर मलेला तीर्थम भी हमारा प्लान है। अगर लाइट में पहुँचे तो रुकेंगे, लेट हो गया तो नहीं रुकेंगे। और अभी हो गए हैं 2 बज गए, तो अब फटाफट यहाँ से चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ऑक्टोपस व्यू पॉइंट, जो यहाँ से आधा घंटा दिखा रहा है, सो फटाफट निकलते हैं। ये कोकोनट ट्री का वो मिला शायद खाने के लिए पार्ट, ये बहुत कम मिलता है। अच्छा रामफल है, कोकोनट वाला नहीं है। अच्छा ये बोल रहे हैं रामफल है, वो कोकोनट नहीं है जो मैंने सोचा था, बट मैंने कभी खाया नहीं है। इंटरेस्टिंग सा लगा, लोग खा रहे थे तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। फल है ये कुछ, इसमें चीनी डाल के खा रहे हैं। वैसे चीनी तो अनहेल्दी होता है बट कभी हाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने भी अभी नहीं खाया, पहली बार कुछ इंटरेस्टिंग दिखा अलग सा, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। ये हमने 50 का लिया, ये इतना पतला सा आया, इसके ऊपर शुगर डाला, पता नहीं क्या चीज़ है, रामफल बोला। चलो हम भी ट्राई करते हैं खा के कैसा है, गाड़ी में जाके खाते हैं, यहाँ तो गर्मी है बहुत। ये हमारी गाड़ी में रामफल ट्राई हो रहा है, बेबी ने कहा क्या वो अच्छा नहीं लगा, यानी मीठा नहीं है। अगर इसको अच्छा नहीं लगा मतलब इसका मीठा टेस्ट तो पक्का नहीं है, मीठा होता तो हमारा बेटा फटाफट खा जाता। इंटरेस्टिंग है, चीनी डाल के ठीक लग रहा है, अदरवाइज ये नेचुरली तो मीठा नहीं था। ये टेस्ट कैसा है क्या बोले, कैसा टेस्ट है ये, क्या बोलूँ मैं, क्या खाए जैसा है ये समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मतलब गुआवा बट बिना मीठा गुआवा, ये समझ लो आप कि अमरूद खाया आपने जो बिल्कुल मीठा नहीं था, तो ऐसा होगा। इसमें चीनी डाल दिया तो थोड़ा मीठा है। 50 रुपये का इतना दिया उस भैया ने, मतलब उसके पास जो था वो कम से कम 3-4 हज़ार का बिकेगा, इतना बड़ा था तो उसे भी ज़्यादा, उसने इतना अच्छा दिया था हमें 50 रुपये का। चलिए इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कुछ नई चीज़ खाई हमने आज रामफल, अब चलते हैं आगे। जैसे ही आप ये क्रॉस करोगे ब्रिज, यहाँ पे बहुत मछली बिकती है सूखी हुई, आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, बहुत मछली है यहाँ पे। ये इसी नदी से निकलती है, अभी तो नदी में पानी बहुत कम है तो लग नहीं रहा इतनी निकली होगी, बट ये पहले सुखाई होगी इन्होंने सीज़न में। बट ये पूरी मछली की मार्केट है और यहीं पर मेरे भाई ने बताया था कि यहीं पर आप मछली बनवा सकते हो, मतलब ताज़ी मछली ख़रीदो इनसे आप और बनवा लो। जो उसने मेरे को रेट बताया वो 100 रुपये किलो के आसपास लेते हैं बनाने का, मतलब जैसे अगर आपने 2 किलो मछली ली मान लो, मतलब 150 रुपये किलो, 300 रुपये की आपने मछली ली तो आपका 150 बनाने का लगेगा, मतलब 100 रुपये केजी के हिसाब से लगेगा। 1 केजी होगा तो 100 रुपये लगेगा और अगर 1.5 केजी होगा तो 150 लगेगा। यार ताज़ी मछली भी मिल रही है, इस साइड मिल रही है, एक तो अंकल बहुत बड़ी मछली काट रहा था। और ये जनरली लोग क्या करते हैं, पहले वो सुबह भूखे पेट मंदिर जाते हैं और रिटर्न आने में लोग मछली खाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आगे भी एक मंदिर से आई हुई गाड़ी खड़ी है और ये लोग ऐसा डिज़ाइन बनवा के लाते हैं मंदिर में जो जाते हैं। ये जैसे आप इस गाड़ी में देख सकते हो ओम वगैरह बना है, तो इससे पता लग रहा है कि ये गाड़ी अभी टेम्पल से आई है। आपकी मर्ज़ी है, बनवाना है बनवाओ, हमने कभी नहीं बनवाया बट लोग बनवाते हैं, बहुत सारी गाड़ियों मैंने देखा है। और ये कृष्णा नदी बहुत छोटी लग रही है आज, पानी नहीं है। चलिए अब चलते हैं। ये हम वापस कृष्णा नदी पे आ गए हैं। अब ये कृष्णा नदी मैंने पहले ही बताया होगा आपको, बॉर्डर है ये आंध्र तेलंगाना का। अभी तो ये बहुत छोटी दिख रही है, आप देख सकते हो बहुत छोटी है और नीचे तक गाड़ियाँ गई हुई हैं नदी तक। वैसे ये बस अभी गर्मी का सीज़न में ही पॉसिबल है, अदरवाइज़ तो काफ़ी पानी होता है। अभी पानी नहीं है तो नीचे गाड़ियाँ गई हुई हैं, लोग नदी में झूल रहे हैं, कोराकल क्या बोलते हैं बोटिंग कर रहे हैं। मेरे भाई ने बोटिंग करी थी, आई थिंक 1000 रुपये 1200 रुपये ऐसे कुछ लिया था शायद आधे घंटे का। तो यहाँ बोटिंग भी कराते हैं, सब होता है यहाँ, आप देख सकते हो एकदम पानी अभी कम है, नहाने वहाने के लिए सही है, जिनको नहाने वहाने का शौक है गर्मी में, मज़ा तो आता होगा, पथरीली नदी है। बट अब हम ये पुल पार करते ही तेलंगाना में एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ऑक्टोपस व्यू पॉइंट, जो रह गया है अब 20 मिनट। सो 20 मिनट पहाड़ में गाड़ी चलाते हैं, ऑक्टोपस व्यू पॉइंट पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख भी सकते हो सामने लिखा हुआ है, इस साइड राइट में करो, वेलकम टू तेलंगाना स्टेट, यहाँ पे बोर्ड है वेलकम टू तेलंगाना स्टेट नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ईगल पेंटा। तो तेलंगाना वेलकम कर रहा है, ईगल पेंटा आ गए हम तेलंगाना के। चलिए अब चलते हैं। ये
ये सामने टोल आ गया है अमराबाद फॉरेस्ट रिजर्व का, और यहाँ पे अभी दोबारा 50 रुपये कटेंगे। अब यहाँ ये अच्छा है कि फास्टैग लग गया, पहले नहीं था। मेन चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, 50 रुपये कटेंगे, हैवी व्हीकल 80 रुपये, और टाइमिंग है 9 से 6। 9 से 6 बोले तो सुबह रात को 9 बजे से, मतलब सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक ये खुला होता है, रात को 9 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। तो आप अगर श्रीसैलम साइड आ रहे हो और आप रात को लेट निकलोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये 9 बजे बंद हो जाएगा और फिर आप इस रास्ते से नहीं आ सकते। एक और रास्ता है, वो 7-8 घंटे लगाता है हैदराबाद से, ये 4-5 घंटे लगाता है, सो इससे आने में फ़ायदा है। बट जैसे रात को बसेस वगैरह जो आती हैं हैदराबाद से, वो यहाँ से नहीं आती, वो दूसरे रास्ते से घूम के आती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये बंद रहता है। बट अभी तो ये खुला है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं और फिर हम क्रॉस करते हैं इसको। ये आप देख सकते हो अमराबाद फॉरेस्ट रिजर्व का बोर्ड आ गया, यानी अब हम फॉरेस्ट में अंदर जाना शुरू हो गए हैं। हमने पर्ची वर्ची, मतलब पर्ची तो क्या, फास्टैग से टोल कटवा लिया है और अब हम जा रहे हैं। और ये अब घना जंगल रहेगा, मतलब अगले घंटे 1.5 घंटे के लिए घना जंगल रहेगा। अब यहाँ से ऑक्टोपस व्यू पॉइंट भी बस 5 किलोमीटर है, सो आई थिंक 10-15 मिनट में आ जाएगा, सो वहाँ चल के मिलते हैं। ये हम अंदर जा रहे हैं ऑक्टोपस व्यू पॉइंट के, थोड़ा हमें गेट पर टाइम लगा, एक्चुअली अंदर पार्किंग फुल थी तो जब तक 2-4 गाड़ियाँ निकली नहीं उसने आने नहीं दिया, और लकीली हमारे पास एग्जैक्ट कैश था तो हम किसी तरह आ गए। अदरवाइज़ तो लोगों को आने भी नहीं दे रहा, वो चिल्लड़ का भी प्रॉब्लम है, ऊपर से कह रहा पार्किंग भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से आए हैं आप, और है भी फुल लग रहा है देख के गाड़ियाँ, और ऊपर से पैदल भी नहीं आने दे रहे, बोल रहे गाड़ी में ही जाएंगे, पैदल नहीं जा सकते। है तो ये वैसे 2 मिनट का ही वॉक, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। अब कहाँ लगाएं, यहीं लगा दी गए शुरू में, यहाँ लगाएं, ये गाड़ी लगा दी हमने वहाँ, और हम फाइनली आ गए ऑक्टोपस व्यू पॉइंट। आगे है व्यू पॉइंट, और यहाँ पे 50 रुपीज़ गाड़ी का लगता है, 10 रुपये पर पर्सन लगता है, हमने टोटल 80 रुपये दिए और हम आ गए। नॉर्मली इतनी भीड़ नहीं होती, बट आज है, आज सैटरडे का दिन है, छुट्टी का दिन, काफ़ी लोग आए हैं। चलिए अब व्यू पॉइंट देखते हैं। ये है ऑक्टोपस व्यू पॉइंट, नीचे एक छोटी नदी आ रही है और उधर मेन कृष्णा नदी आ रही है, और यहाँ पे मिल रहे हैं, वहाँ पे छोटा सा गांव है एक, वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पता नहीं उस गांव में जाते कैसे होगा रास्ता, वो वहाँ पे गांव सा दिख रहा है पानी के किनारे पे, मछुआरों का या कुछ होगा ऐसे। यहाँ तो लग रहा है कि अगर नीचे जाओगे तो बहुत सुंदर होगा, बट कोई ऐसा रास्ता है नहीं। काफ़ी अच्छा व्यू है, पूरे पहाड़ पहाड़ हैं पूरे इस तरफ अच्छे से। चलिए यही देखना है, तो ये विक्रांत को ट्री क्लाइंबिंग करना है, पहले भी किया था, जब भी आता है हर बार करता है यहाँ पे। कितना ऊपर जाएगा विक्रांत? बस ये ऑक्टोपस व्यू पॉइंट, हवा बड़ी सही चल रही है तो गर्मी धूप है बट हवा अच्छी चल रही है, और काफ़ी घना जंगल है इस साइड, सामने पूरा पहाड़, हरा भरा पहाड़, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेबी को कैसा लगा ऑक्टोपस व्यू पॉइंट? हाँ अच्छा लगा, चलो डन, देखेंगे। अब ये ऑक्टोपस व्यू पॉइंट से जा रहे हैं हम, और अब हमारा प्लान है मलेला तीर्थम जाने का, बट वो पक्का नहीं है बिकॉज़ ऑलरेडी 3 बज गए हैं, और मलेला तीर्थम शाम को बंद हो जाता है कुछ टाइम पे, और यहाँ से अभी वो होगा 100 किलोमीटर या 50-60 होगा, सो पता नहीं हम टाइम पे पहुँचेंगे या नहीं। अगर मलेला तीर्थम टाइम पे पहुँचे तो हम वाटरफॉल जाएंगे दिखाएंगे, अदरवाइज़ फिर वहाँ से घर निकल जाएंगे। सो चलिए देखते हैं हमारी जर्नी में क्या होता है, आज हम वाटरफॉल देख पाते या नहीं। है ना बेबी? बहुत मिलेगा। और ये ऑक्टोपस व्यू पॉइंट से हम वापस जा रहे हैं, और बहुत ख़तरनाक ऑफ रोड है, पूरा पत्थर पत्थर पत्थर। अब तो थोड़ा बेटर हो गया, पहले बहुत भयंकर था, पहले तो इतना कैमरा हिला कि हम वीडियो भी नहीं बना पाए, हम सोचे थे बनाएंगे बट अभी भी ऐसा है, बट अब तो निकल जाएगी गाड़ी आराम से। और यहाँ अंदर आने का 50 रुपये गाड़ी का है, 10 रुपये बंदे का है, तो 80 रुपये लगे हमारे, तो सही है। अब हम जा रहे हैं, आगे से गाड़ी आ रही है, थोड़ा देख दाख के जाएंगे। अब मलेला तीर्थम के लिए भागते हैं सीधा और वहाँ मिलते हैं। ये हम एकदम सुंदर जंगल क्रॉस कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स हैं जंगल में काफ़ी सारे भयंकर वाले,
इसलिए आराम आराम से। काफ़ी सुंदर जंगल है अमराबाद टाइगर रिज़र्व। यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट के एक दो सरकारी होटल भी हैं, मेरा मन है कभी आने का। बट एक जो था नल्ला मल्ला में, वो आई थिंक आंध्र प्रदेश का था, वो तो बारिश में बंद हो जाता है, तो अक्टूबर में खुलता है वो। तो अक्टूबर या नवंबर में हम पक्का आएंगे एक दो दिन के लिए और जंगल में रहेंगे। वो वीडियो देखी मैंने, बड़ा अच्छा लग रहा था और ये जंगल भी बड़ा सुंदर लग रहा है। और हमने देखा यहाँ पे, हमने दो तीन बार जानवर देखे हैं, तो इस जंगल में हैं काफ़ी जानवर। तो चलिए हम ये जंगल और पहाड़ की रोड एंजॉय करते हुए घर की साइड मलेला तीर्थम होते हुए निकलते हैं। ये सामने मलेला तीर्थम का कट आ गया, मतलब ये जो पानी की टंकी है इसी से राइट, ये जो वाइट गाड़ी दिख रही है आपको, इसी से यहाँ राइट मार के जाते हैं मलेला तीर्थम। बट मैंने अभी टाइम चेक किया, अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और वो कह रहा है 5 बजे बंद हो जाएगा, और हमें आधा घंटा तो कम से कम अंदर जाने में भी लगेगा। ये है रोड मलेला तीर्थम की, ये वाली। अब हमने डिसाइड किया कि हम रिस्क नहीं लेते, अब जाके भी ज़्यादा देख नहीं पाएंगे लग रहा है, फटाफट निकलना पड़ेगा। इससे अच्छा अब सीधा सीधा अपने घर ही चलते हैं, रास्ते में कहीं कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं जहाँ अच्छी चाय वाय मिलेगी ताज़ी, देखते हैं कहाँ मिलता है, चाय वाय पीते हैं, बिस्किट विस्किट खाते हैं। हाँ इधर पेट्रोल पंप नहीं है ना इसलिए। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं इस रूट पे सीरी सेलम की जो घूमने लायक है, जैसे टेम्पल्स भी हैं 2-3, और पाताल भैरवी करके भी एक जगह है जहाँ आप उससे जाते हो, मतलब वो केबल कार से जाते हो, और काफ़ी ऐसी जगह हैं जो हम कभी नहीं घूमते बिकॉज हम हमेशा जल्दी में होते हैं यहाँ आके घर जाने की। सो एक बार हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट ट्रिप जब भी प्लान करेंगे तो हम ओवरनाइट स्टे प्लान करेंगे, ताकि हम सुबह सुबह एक दिन आ जाएं, मतलब सुबह सुबह तो नहीं, आराम से आएं और फिर रात भर रहें और अगले दिन सुबह दर्शन करें और आराम से ये सब चीज़ें देखते हुए जाएं। बिकॉज़ ये सब देखने में आपको दिन भर लग जाता है, अगर आप सुबह सुबह 7-7:30 बजे दर्शन करके निकलो तो सब कवर कर सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होता है। सो अभी तो घर चलते हैं, लाइट भी है, कुछ रास्ते में फ्रूट व्रूट कुछ मिलेगा तो देखेंगे, और यहीं से घर चलते हैं। सो मलेला तीर्थम कैंसिल। ये सामने ट्रैफिक जाम हो रहा है, आप देखो कम से कम 100 गाय तो होंगी, ये पूरे झुंड में जा रही हैं। कुछ तो रोड पे हैं, कुछ जंगल से भी आ रही हैं, अंदर अंदर से निकल के आ रही हैं। इधर क्यों आ रही हो भाई साहब? ओहो इधर ही आ गए, चलो अब क्या कर सकते हैं, 2 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा जब तक ये निकलते नहीं है। थोड़ा थोड़ा रास्ता बना हमारे जाने के लिए, ओ बन गया बन गया बन गया, बाप रे। चलिए हम चलते हैं आगे। ये बंदरों ने फुल रोड पे कब्जा किया हुआ है, रोड के बीच में सोते हैं, हटते भी नहीं हैं गाड़ियां देख के। कोई केले खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, लगता है लोगों ने केले दिए हैं इन्हें। अभी पीछे पफ राइस खा रहा था एक जगह मैंने देखा था। उसे लगा वो गाड़ी वाला कुछ देगा शायद, इसलिए आया, बट कुछ दिया नहीं। जंगल तो बहुत बढ़िया। एक बार हम यहाँ आए थे जब बहुत बारिश हो रही थी, पूरा धुंध ही धुंध था, नदियाँ बह रही थी रोड के दोनों साइड, बहुत सही था। 2-3 साल हो गए, 2020 में आए थे, आज तो गर्मी ने हालत ख़राब करी हुई है। चलिए चलते हैं आगे। ये हम अब मेन जंगल क्रॉस कर चुके हैं और ये एंट्री का चेक पोस्ट है। जब आप एंटर करते हो, मतलब इस साइड आ रहे होते हो श्री सलम साइड, तो यहाँ आपकी पर्ची कटती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, जाते में कुछ नहीं कटता ऑब्वियसली। सीनरी तो बहुत बढ़िया है लेफ्ट एंड साइड में, बट हाँ अब ये है कि अब इस ये चेक पोस्ट आने का मतलब कि मोटा मोटी मेन बड़ा वाला जंगल ख़त्म हो गया, अब थोड़ा हल्का फुल्का जंगल रहेगा, बट मेजर जो था ख़त्म हो गया। और यही गेट है जो रात को बंद हो जाता है 9 बजे। सो अब ये हमने पार कर लिया है, हमने तो 4:30 बजे ही पार कर लिया, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। बट हाँ अगर आप लौट रहे हो तो आपको 9 बजे तक ये पार करना है। ये पार करने के बाद आप आराम से हैदराबाद जा सकते हो, और यहाँ से हैदराबाद .3 घंटा है जो हमारा, मतलब गूगल बता रहा है, मतलब हमारा घर 164 किलोमीटर और 3 आवर्स। सो चलिए अब चलते हैं आगे। ये फाइनली हमें चाय पीने की जगह मिल गई, और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि यहाँ चाय अभी बन रही है,
ताजी चाय बन रही है। ये बहुत कम मिलता है ऐसे चाय, नॉर्मली बनी बनाई देते हैं, बट यहाँ बन रही है जो बहुत सही चीज़ है, फ्रेश चाय है। मेरे ऊपर क्या है, मंकी है। चलो चाय पी के चलते हैं। ये मंकी है हमारे सर के ऊपर देख रहा है ये। ये हमने चाय पकौड़े का नाश्ता कर लिया, समझ नहीं आया कितने का क्या था, बट 90 रुपए लिया आंटी ने टोटल, जिसमें हमने दो चाय पी, एक प्लेट पकौड़े लिए, दो मिर्ची भाजी थी, दो आलू भाजी था, और क्या लिया, और हाँ एक छोटी थम्सअप ली। तो 20-25 रुपए की अगर मैं थम्सअप मान लूँ, और अगर मैं मान लूँ 30 रुपए का वो होगा, तो बनता है 15 रुपए की चाय। थोड़ा महंगी है इतनी, बट ये अच्छा था कि ताज़ा बना के दी चाय उसी टाइम पे, नॉर्मली बनी बनाई देते हैं, तो चलो ठीक है। अब हमारा नाश्ता हो गया, अब हमारा ज़्यादा कुछ खास प्लान है नहीं। अब हम क्या करेंगे, रास्ते में रोकेंगे हम मस्काटी पे, अगर वहाँ आइसक्रीम मिल रही होगी तो। यहाँ आते हुए हमने एक मस्काटी का छोटा सा फैक्ट्री देखा था, और उसके बाहर एक दुकान भी थी, पर जब हम आ रहे थे तो वो बंद थी, अब अगर खुली होगी तो वहाँ खाएंगे। चलिए, ये आप देख सकते हो व्यूज़ बड़े अच्छे हैं इस साइड। मैंने सोचा था थोड़ा रुक के थोड़ा वीडियो बनाएंगे, बट यहाँ बंदरों ने मुझे डरा दिया, बहुत बंदर है। व्यू तो बहुत अमेजिंग, आप नीचे देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो जो नीचे आपको रोड दिख रही है वही रोड है जिस पे हमने जाना है, वो हमारे घर की साइड ही जा रही है। अभी हम ये पहाड़ उतरेंगे, उस रोड पे जाएंगे और सीधा आगे हैदराबाद की साइड जाएंगे। बट अब ये इंडिकेटर है कि अब हमारा पहाड़ का रास्ता ख़त्म हो गया, ये लास्ट है, मतलब 1.5 किलोमीटर बचा होगा। ये पहाड़ उतर जाएंगे तो फिर प्लेन्स आ जाएंगे, और फिर तो सीधा सीधा अपने घर का रास्ता 2 घंटे का रह जाएगा। चलिए इंजॉय करते हुए चलते हैं। ये हम डिंडी शहर पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट हमने डिंडी का डैम क्रॉस किया लेफ्ट पे, वो सुबह हमने आने वाली जर्नी में आपको अच्छे से दिखाया था, तो हमने दोबारा नहीं बनाया। बट ये डिंडी का शहर है, अब यहाँ से 2.5 आवर्स हैं हमारा घर, और अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक दो ही चीज़ें हैं। रास्ते में कहीं खाना लेंगे, वो तो हम सोच रहे हैं हैदराबाद जाके लेंगे, कहीं फ्रूट्स मिलेंगे तो थोड़े पपीते इस रूट पे अच्छे मिलते थे पहले, तो वो लेने की सोच रहे हैं। अब रागी इडली भी अब क्या खाएं देखता हूँ मैं, वैसे मन तो कर रहा है थोड़ा बहुत, अगर रागी इडली मिलेगी तो शायद मैं घर के लिए पार्सल करा लूँ थोड़ी सी, अमंगल के पास, अमंगल पे चाय भी अच्छी मिलती है। अब देखते हैं, चाय पीने का टाइम पे पहुँचे तो पी लेंगे। चलिए अब चलते हैं, ये डिंडी है, डिंडी क्रॉस कर रहे हैं। अभी भी रह गया है ऑलमोस्ट 136 किलोमीटर रह गया, 136 रह गया हमारा घर, सो अभी भी है 2.5 घंटे का रास्ता, 8 बजे पहुँचेंगे कह रहा है हमारा गूगल, सो चलिए चलते हैं। ये टोल प्लाजा आ गया आज का पहला, जितना मुझे याद है 3 है, 2 ऐसे वाले आएंगे और 1 ORR आएगा। तो ये है कोनेट पुरम टोल प्लाजा, और एक ही दरवाज़ा खुला है, मतलब एक ही गेट खुला है, तो भीड़ है। अब यहाँ पे फ्रूट्स मिलने का चांस है इस टोल प्लाजा पे, और अगले पे 2 पे चांस है, उसके बाद तो ORR आ जाएगा, ORR पे तो कुछ नहीं मिलता, तो कोशिश करेंगे कुछ मिलेगा तो ले जाएंगे। थोड़ा बहुत दिख तो रही है एक आंटी, बट अब देखते हैं कितने का देगी, पूछते हैं। ये पपीते ले रहे हम, हरे हरे मिल गए, कितने के लिए फाइनली? 100 के 5, सही है, छोटे छोटे हैं बड़े अच्छे हैं। चलो वही हल्ला। ये अब हमारा घर बस 2 घंटा दूर रह गया, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कट आ रहा है, अगर हम राइट चले जाएंगे तो देवारा कोंडा की साइड चले जाएंगे, और अगर लेफ्ट जाएंगे तो हैदराबाद की साइड जाएंगे, जो 87 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर में कल वक्त पूर्ति करके कुछ है, मुझे भी नहीं पता कौन सा शहर है, बट ऐसा दिखा रहा है। और यहाँ पे आप ये देखो, ये जो गाड़ी है इस पे, ये आंध्रा के स्वीट्स हैं ये सारे, ये बहुत ट्रेडिशनल आंध्रा स्वीट्स हैं जो उन्होंने फ़ोटो में बनाए, बेच क्या रहे हैं मैंने देखा नहीं ढंग से, बट जो फ़ोटो में बनाए थे वो सारे आंध्रा के हैं, और ये स्पेशली मिलते हैं गोदावरी बेल्ट में, मतलब वाइजैग और विजयवाड़ा के आसपास बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ तो पता नहीं कैसे होंगे। सो हम चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा और रह गया है, 4-5 किलोमीटर में हमें और एक टर्न मारना है। अभी हमें मस्काटी आइसक्रीम खाने का मन है, और जितना मुझे याद है एक मस्काटी की छोटी सी फैक्ट्री आती है इस रोड पे, अभी दिखी नहीं है, उसका वेट कर रहे हैं, वो दिखेगी तो वहाँ ब्रेक लेंगे। ये हमें फाइनली मस्काटी आइसक्रीम मिल गई, बहुत शोर है, बहुत ट्रैफिक है रोड में, ये आप पीछे देख सकते हो मस्काटी का बोर्ड है,
और ये आइसक्रीम है, और ये है चॉकलेट केक आइसक्रीम। तो इसमें क्या बोलते हैं, केक का फ्लेवर भी होता है और चॉकलेट आइसक्रीम टाइप भी होता है, तो ये काफ़ी मुझे पसंद है। और ये आप देख सकते हो, ये मस्काटी का कुछ फैक्ट्री टाइप है छोटा सा, ये यहाँ पे प्लांट, और इसी के साथ वो बना हुआ है, दुकान बनी हुई है। सही है, इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, प्योर भैंस के दूध की होती है, तो काफ़ी गाढ़ी होती है इनके। उसमें भी फ़ोटो में भी भैंस बनी है, गाय नहीं बनी उसमें, क्या बोलते हैं इसमें जो ब्रांड है। काफ़ी सही है, चलिए काफ़ी अच्छी आइसक्रीम मिल गई, अब ये खाते हैं फिर चलते हैं हम आगे। ये हमारा बेटा मज़े से आइसक्रीम चट चटा चट कर रहा है, और कोई चीज़ होती तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करता। अच्छा लग रहा है बेबी को, फटाफट खा रहा है बेबी। और किसी को देगा बेबी, शेयर करेगा हा? ना कभी यस भी बोला करो, नो no. पूरा फिनिश करोगे पूरा सारा? चलो अब बज गए हैं शाम के 6:30, और हमने अभी जस्ट अमंगल क्रॉस किया है। अब यहाँ से घर हमारा पास में ही है, मतलब बस 1.5 घंटा रह गया है, और डिस्टेंस रह गया 92 किलोमीटर। इसमें भी ये अच्छी बात है कि 30-40 किलोमीटर तो ORR है, जो बहुत मतलब अच्छी रोड और सिंपल ड्राइव है। अब अंधेरा भी हो गया है, सो अब आगे हम कितना वीडियो बना पाएंगे पता नहीं, कोशिश करेंगे। सामने आप देख सकते हो ये अमंगल का आउटर है, मेन शहर तो हमने क्रॉस कर लिया है, और कुछ गांव का नाम भी चेंज हो गया अमंगल से, क्या बोल रहे हैं, चंद्रयान पल्ली करके कोई गांव बता रहा है राइट में। तो चलिए अब यही रोड है, अब ORR आ जाएगी ऑलमोस्ट, आई थिंक 20-30 किलोमीटर में ORR आ जाएगी, और आई थिंक एक और टोल प्लाजा आएगा और फिर ORR आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो आपको दिखाते हैं। वैसे है तो इंटरेस्टिंग, साइड में पूरे पहाड़ वहाड़ बड़े सुंदर हैं, बट अभी रात का टाइम है तो ये पकड़ेगा नहीं, मतलब हमारा कैमरा क्लैरिटी नहीं दे पाएगा इतनी। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। ये अपने लास्ट टोल प्लाजा आ गया इधर वाला, अब इसके बाद ORR आएगा, वो भी टोल है, बट वो तो अलग ही रोड है, आउटर रिंग रोड। मतलब ये हाईवे का लास्ट टोल है आज, कड़थल टोल प्लाजा है ये। अब चलिए अब ये पार हो जाता है फिर आई थिंक, तो कितना रह गया, आई थिंक 10-20 किलोमीटर में अपना वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, ORR आ जाएगा, और ORR से तो फिर हमारा घर पास ही में है। ये यहाँ पे बहुत फ्रूट बिक रहे हैं, बट मोस्टली ये है अमरूद, कस्टर्ड एप्पल मतलब शरीफा, ड्रैगन फ्रूट, यही है मेन। इधर से लो, इधर से साफ आएगा। करौंडा भी है, जैसे करौंडा बोलते हैं छोटा, वो भी है। पपीता भी हरा है, अच्छा है, काफ़ी फ्रूट्स हैं इधर। ये क्या है, ये तो अमरूद है, देसी अमरूद, सही है। हाइब्रिड वाला अमरूद होता तो हम थोड़ा लेते, वो हमारे यहाँ खाया जाता है, देसी वाला इतना नहीं खाते, सही है। चलिए चलते हैं, और ये हम ORR पे चढ़ गए हैं, और अब बस 45 मिनट्स है हमारा घर, और ORR अभी हमें ऑलमोस्ट 38-40 किलोमीटर्स अभी ORR पे ही चलना है। और इसमें बेस्ट है कि इसकी स्पीड लिमिट बढ़ा के 120 हो गई है, जो मैं भूल गया था, तो मैं 80 पे चला रहा था, अब इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अब आराम से हम जाएंगे। हमें एग्ज़िट नंबर 1 लेना है, एग्ज़िट 19 से भी जा सकते हैं, 1 से भी जा सकते हैं, 2 से भी जा सकते हैं, बट हम सुबह एग्ज़िट 1 से आए थे, और 1 से जाएंगे तो हमें टोल पे डिस्काउंट मिलेगा, प्लस जहाँ से हमें खाना लेना है वो एग्ज़िट 1 से रास्ते में पड़ता है, तो हम अपना एग्ज़िट 1 लेके निकालेंगे। इवन तो गूगल बोल रहा है एग्ज़िट 2 से जाओ, बट हम उसी से जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दें, आज काफ़ी लंबा दिन रहा, ऑलमोस्ट कब निकले थे हम, सुबह निकले थे हम 5:30, और अभी हो गए हैं 7:30, सो ऑलरेडी आप लगा लो कि 14 आवर्स हो गए, 1 घंटा और लगेगा हमें पहुँचने में, तो 15-16 आवर्स हो जाएंगे, तो हम काफ़ी अब थक गए, तो ज़्यादा कुछ बनाएंगे नहीं। बहुत सही रहा दर्शन, मैंने बताया बहुत बढ़िया रहा, उसके बाद हमने ऑक्टोपस व्यू पॉइंट घूमा, रास्ते में जंगल वंगल क्रॉस करते हुए आए, बड़ा मज़ा आया। अब फिर कभी फिर कहीं निकलेंगे तो मिलेंगे, अभी के लिए सी यू।